कसरत से दुरूद पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। बस जो आदमी मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अफजल दिनों में से जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई, इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इस दिन सब लोग बेहोश होंगे। इसलिए इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। कहते हैं, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारा दुरूद आप पर किस तरह पेश किया जाएगा जबकि आपका जिस्म बोसीदा हो चुका होगा? तो आपने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अम्बिया के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है, यानी फरिश्तों के जरिए आप तक दुरूद पहुंचाया जाता है। अम्बिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती, सही सलामत होते हैं उनके जिस्म। सूरत अल कहफ पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ता है तो उसके लिए दूसरे जुमे तक नूर रोशन रहता है। गुस्ल करना। हर बालिग पर जुमा के लिए जाना जरूरी है और हर वो शख्स जिस पर जुमा के लिए जाना जरूरी है उस पर गुस्ल है, यानी उसको लाजमी गुस्ल करना चाहिए, इल्ला ही कि कोई मजबूरी हो। तो आप अपना स्केड्यूल इस तरह बनाए ना कि जैसे अगर आप हर रोज नहाते फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं तो आप फिर इस तरह स्केड्यूल करें कि जैसे आप मंडे को नहाए, फिर वेडनेसडे को नहाए, फिर जुमे को नहाए, फिर आप सैटरडे संडे अगर नहीं भी नहाते फिर मंडे, तो इस तरह आप जुमे को मिस नहीं करेंगे। ये नहीं कि जुमेरात को नहा के जुमा को छोड़ दिया या जुमा छोड़ के हफ्ते को नहाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उलमा ने गुस्ल के हुक्म के बारे में इख्तलाफ किया। बास तो कहते हैं ये वाजिब है, यानी फर्ज के दर्जे में, और जम्हूर उलमा ये कहते हैं कि मुस्तहब है, पसंदीदा है, अफजल अमल है। हदीस में आता है, जिसने जुमे के दिन वजू किया उसने अच्छा किया और जिसने गुस्ल किया तो ये अफजल है। सफाई में मुबालगा होती ना, वीकली सफाई आपको करनी होती है, यानी जैसे नाखून वगैरह काटते हैं या फिर अपने जायद बाल वगैरह उतारते हैं, तो ये सब चीजें अगर जुमे के दिन हो तो ज्यादा बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन अच्छी तरह गुसल करे, अच्छी तरह संवार कर वजू करे, अपने बेहतरीन लिबास में से पहने, यानी जुमे के दिन बाकी दिनों के निस्बत अच्छा लिबास पहने, अल्लाह ने उसकी किस्मत में घर वालों की जो खुशबू लिखी हो वो लगा ले, यानी घर में जो भी खुशबू है, फिर जुमा पढ़ने आए तो लफ काम न करे, दो आदमियों के दरमियान जुदाई ना करे, यानी दो लोग बैठे उनके बीच में घुस के बैठ जाए। इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान के पूरे हफ्ते के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर मिसवाक करना। जुमे की सुन्नतें बताते हुए आपने फरमाया, और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है, अच्छा लिबास पहनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुमकिन हो तो जुमा के लिए अपने काम काज के कपड़ों के अलावा दो कपड़े और बना रखने में क्या हरज है? स्पेशल ड्रेस रखे जो जुमे जुमे को ही पहन ले। खुशबू लगाना, यानी खुशबू लगाए, हदीस में आता है चाहे वो औरत की खुशबू से हो, यानी आपकी अपनी नई बीवी की खुशबू पड़ी हो वही लगा लो, लेकिन लगाओ। तेल लगाना। जो शख्स जुमा के दिन गुसल करे और जिस कदर मुमकिन हो पाकीजगी हासिल करे और अपने तेल में से तेल लगाए या अपने घर की खुशबू में से खुशबू लगाए, फिर निकले के दो आदमियों के दरमियान तफरीक न करे, जितनी मुकद्दरा नमाज पढ़ ले, और जब इमाम बात करे तो खामोश रहे। इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जुमा का वक्त, सूरज ढलते ही जुमा पढ़ना, सूरज ढलते ही जुमा पढ़ना, अव्वल वक्त जुमा पढ़ना, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। इयास बिन सलामा बिन अकवा अपने वाले से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमे की नमाज पढ़कर वापस लौटते थे तो दीवारों का साया इतना नहीं होता था कि उनसे अपने आप को साया मुहैया किया जा सके, यानी अभी सूरज बहुत थोड़ा ढला होता था। हाँ, गर्मी की शिद्दत में ताखीर की इजाजत है। मस्जिद में दाखला। मस्जिद की तरफ जल्दी निकलना। तहियतुल मस्जिद अदा करना। अमर बिन दीनार कहते हैं, उन्होंने जाबिर रजी अल्लाह अन्हु को कहते हुए सुना कि एक शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ इस हाल में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। तो आपने फरमाया, क्या तुमने नमाज पढ़ी? उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया, खड़े हो दो रकते पढ़ो। अब ये बड़ा अहम मसला है, मस्जिद में दाखिल हो चाहे खुतबा हो रहा हो, दो रकत पढ़े बगैर ना बैठो, ठीक है? और ये क्या है? दरअसल तहियतुल मस्जिद। ये जुमे की सुन्नतें नहीं है, ये क्या है? तहियतुल मस्जिद है। और मुख्तसर पढ़ी जाए, यानी इमाम जब खुतबा दे रहा हो तो चाहिए कि दो रकतें पढ़े और दोनों में इख्तिसार करे। नमाज से कबल हल्का बनाने की मुमानत। मसलन आप जल्दी चले गए तो ये नहीं कि एक ग्रुप बना के आपस में गपशप शुरू कर दे, नहीं, सीधे ही लाइनों में बैठिए। इंतजार का वक्त कैसे गुजारेंगे? नफल पढ़ के बैठ गए
ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، حلقہ نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلان کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا، کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی۔ جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صف میں بیٹھے، یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگ کریں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے۔ یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اجلس فقد آزیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ، اجلس فقد آزیت، تو نے اذیت دی، و آنیت اور دیر سے آئے، تو اس سے منع کیا گیا، کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے۔